नमस्कार, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 24 मई 2020 से हिमाचल अकादमी ने फेसबुक लाइव का साहित्य कला संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम में अभी तक 100 कार्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं और आज 101वां कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सभी ये भी जानते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के आकस्मिक देहावसान के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहा। 7 दिन अकादमी का ये कार्यक्रम बंद रहा, उसके बाद आज ये पहला कार्यक्रम है। आज का ये कार्यक्रम प्रख्यात इतिहासविद ठाकुर राम सिंह जी की 10वीं जयंती पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ हमारे विचारशील चिंतक अपना वक्तव्य आज के इस परिसंवाद में प्रस्तुत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में श्री विजय मोहन पुरी जी धर्मशाला से, श्री चेतराम गर्ग जी नेरी से, डॉक्टर बलदेव दास चावला जी पंजाब से, श्री कृष्ण कुमार गोयनका जी आसाम से और श्री कृष्णानंद सागर जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का संचालन संयोजक के तौर पे, संवादकर्ता के तौर पे डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी हमीरपुर के लेखक प्रमुख हैं। संस्कृत के लोक साहित्य इतिहास के प्रख्यात विद्वान हैं। इन्हें द्वारा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। लोक साहित्य, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान इनके प्रमुख विषय हैं, जिसपे इनका आधिकारिक वक्तव्य हमें सुनने का अनेकों बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए, संवाद के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी से, लेकिन उससे पहले एक शुभ सूचना हम सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर देना चाहेंगे। इसी सप्ताह डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पीठ में अध्यक्ष के पद का भी दायित्व प्राप्त हुआ है, जो हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। और हम ये विश्वास करते हैं कि डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पीठ के अध्यक्ष के तौर पे, प्रोफेसर के तौर पे कार्य करते हुए शोध को और लोक साहित्य को, पहाड़ी भाषा और संस्कृति को और हिमाचल प्रदेश के साहित्य को, इतिहास को एक नई दिशा देने में अवश्य कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर से डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के हमारे सभी अतिथि विद्वानों का भी स्वागत करें और कार्यक्रम का संचालन करने का भी कृतार्थ करें। आप सभी का इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। प्रणाम सभी श्रोताओं को। मैं अपना वक्तव्य इतिहास पुरुष के वाचन के साथ प्रारंभ करूंगा। इतिहास कुशा भास सोकरास्यो महोदरा अक्ष सूत्रम घटम विभ्रत पंकजाभरणान्विता। आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हम एक महान इतिहासकार एवं समाज सेवक श्रद्धेय ठाकुर राम सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक परिचर्चा में सम्मिलित हैं। मैं सभी जो परिचर्चा में भाग लेने वाले हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फेसबुक लाइव में जितने भी हमारे श्रोतागण जुड़े हैं मैं उनका भी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी की ओर से प्रिय श्रोताओं, हमारे
समाज सेवक और श्रेष्ठ इतिहासकार ठाकुर राम सिंह जी का जीवन दर्शन हम सबके लिए प्रेरक है। इसी संदर्भ में वो ना केवल हिमाचल के अपितु संपूर्ण अखिल भारतीय जनजीवन के भी वो नायक रहे हैं। इसी उद्देश्य से हमने एक परिचर्चा, एक संवाद हमने आयोजित करने का मन बनाया और आज इसी परिचर्चा में उनके विहंगम जीवन दर्शन के ऊपर विभिन्न महानुभावों के अपने अनुभव, उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण हम सब इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी परिचर्चा को सर्वप्रथम श्रीमान चेतराम गर्ग जी से प्रारंभ करना चाहता हूं। श्रीमान चेतराम गर्ग जी, आप शोध संस्थान नेरी के निदेशक एवं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य हैं। आप पूर्व में मातृवंदना के संपादक भी रहे हैं। आप इतिहास दिवाकर शोध पत्रिका के मार्गदर्शक हैं। आपने स्वामी विवेकानंद पुस्तक का संपादन किया है। आप वर्तमान में ठाकुर राम सिंह जी के पत्र व्यवहार और अंबेडकर के भारत विभाजन चिंतन पर लेखन कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण लेखन कार्य चल रहा है। वास्तव में हम श्रीमान चेतराम गर्ग जी को सर्वप्रथम इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी, जो एक बीज रूप में समारोप हुआ था ठाकुर राम सिंह जी के द्वारा, आज वो पुष्पित पल्लवती होकर के आज एक विहंगम धीरे धीरे वृक्ष का स्वरूप धारण कर रहा है। मैं सर्वप्रथम श्रीमान चेतराम गर्ग जी से आग्रह करता हूँ कि इस पृष्ठभूमि को जो ठाकुर राम सिंह जी के साथ आपने जो समय गुजारा है और उसके साथ ही इस हमारा जो ठाकुर राम सिंह जी द्वारा स्थापित जो जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान है, इन अनुभवों को, ठाकुर राम सिंह जी के अनुभवों को और जो हमारा शोध संस्थान है, इसकी पृष्ठभूमि हमारे पाठकों को, हमारे श्रोताओं को प्रदान करें। श्रीमान चेतराम गर्ग जी, धन्यवाद। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान के वैचारिक पक्ष के निदेशक हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी हैं और मैं साधुवाद और बधाई देना चाहूंगा भाषा अकादमी के सचिव डॉक्टर करण सिंह जी को, जिन्होंने 100 कार्यक्रम अपनी अकादमी के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस कोरोना काल के अंदर किए। और हिमाचल सरकार ने 3 वर्ष पूर्व श्रद्धे ठाकुर राम सिंह जी को हिमाचल प्रदेश के उन महापुरुषों की कड़ी में जोड़ा जिनका योगदान हिमाचल प्रदेश के संवर्धन में, लेखन में, इतिहास में अतुलनीय काम किया है। और मेरे समक्ष जो आज इस वार्ता के अंदर सब लोग बैठे हैं, माननीय पुरी जी जो हमारे इतिहास शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर चावला जी जो पंजाब में जो ठाकुर जी द्वारा काम हुए उसके ये प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं, श्री कृष्णानंद सागर जी जो दिल्ली में ठाकुर जी के साथ लंबे समय तक उन्होंने काम किया, और श्री कृष्ण कुमार गोयनका जी असम में 21 साल ठाकुर जी रहे और बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक रहे, ऐसे महान विभूतियां हमारे समक्ष हैं। तो मैं थोड़ी सी शुरुआत उनके जीवन और उनके कार्य किस किस तरह से उन्होंने किया उस पर मैं थोड़ा सा अपना वक्तव्य रखूंगा, फिर चर्चा जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम चर्चा करते जाएंगे। ठाकुर जी का जन्म हिमाचल प्रदेश के ही झंडे गांव जिला हमीरपुर में 1915 में हुआ।
तो उनकी जो जीवन यात्रा 1915 से लेकर और 2010 तक चलती है, उसने उनके 27 वर्ष बाल्यकाल शिक्षा लाहौर में वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र संगठन समाज संगठन के लिए समर्पित 1942 में कर दिया। क्योंकि हमारा समाज बिखरा हुआ तो था ही, अनेक प्रकार की समस्याएं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो जीवन का ध्येय पथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से काम करने के लिए 1940 में उन्होंने समर्पित किया, जिसको हम तीन हिस्सों में आगे बढ़कर देखते हैं। एक हिस्सा उनका 40 वर्ष उसमें लगते हैं, जिसमें वो प्रत्यक्ष रूप में संघ का काम हिमाचल प्रदेश में 1942 से लेकर 44 तक और 44 से लेकर 49 तक पंजाब अमृतसर में और 49 से के बाद 1971 तक असम में काम करते हैं और 71 से फिर पुनः पंजाब और उत्तर भारत में आते हैं और 1988 तक वो इस समाज संगठन के कार्य में लगे रहते हैं। 1988 में उनको जो भारत का एक इतिहास की दृष्टि से जो विकृतिकरण था और पाश्चात्य और साम्यवादी विचारधारा के कारण से जो हमारे इतिहास में भारत में परिवर्तन आना चाहिए था, आजादी के बाद भी वो नहीं हुआ, तो अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के माध्यम में 1992 में वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और लगभग 13 वर्ष वो 2003 तक अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। उनकी आयु जब 90 वर्ष की हो जाती है, अपने हिमाचल प्रदेश में ही नेरी नाम स्थान पर जो राष्ट्रीय स्तर का ही एक लक्ष्य था कि भारत के 4 केंद्रों पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उसमें इतिहास के लेखन और शोध के लिए केंद्र स्थापित होने चाहिए, तो 90 वर्ष की आयु में उन्होंने वो काम प्रारंभ किया। लगभग 7 साल वो उन्होंने काम किया और 2010 तक वो उस काम में जुड़े रहे। मुझे उनके साथ 2005 से लेकर 10 तक रहने का मौका मिला घर में, तो उसमें 90 वर्ष की आयु में ठाकुर जी का चिंतन और उनके काम करने की क्षमता और उनकी ध्येय निष्ठा एक युवाओं की तरह दिखती थी। 12 से 18 घंटे प्रतिदिन काम करना, प्रातः 4 बजे उठना, अपने काम सारे नियमित करना, व्यायाम करना और जो उनसे बातचीत करने के लिए आते उन सब से, चाहे वो बच्चा है, युवा है, महिला है और शिक्षाविद है, अनेक प्रकार के लोग, उन सब से बड़े सहज और विश्वास के साथ काम बातचीत करना और उस बातचीत के अंदर भारत की समस्या क्या रही, इतिहास के विकृतीकरण के कारण से इस देश को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उनकी बातचीत में ये सारे विषय रहा करते थे। कहते जब तक हमारे को अपने प्राचीन इतिहास की ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी और हम विदेशी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास को ही समाज को परोसते और देते रहेंगे, तो हमारे युवाओं में किस तरह से अपने देश के प्रति स्वाभिमान और गौरव का भाव प्राप्त होगा। तो अपने देश के लिए गौरव का भाव प्राप्त हो और अपना युवा
अपने इस मातृभूमि के प्रति समर्पित हो, उसके लिए अपना जिन लोगों ने कुर्बानी की है, जिन लोगों ने महापुरुषों ने देश के लिए अपना समर्पण किया है, ऐसे लोगों का इतिहास, ऐसे महापुरुषों का इतिहास देश की युवा पीढ़ी को पढ़ाया जाना, ये ठाकुर जी के मस्तिष्क में सदैव रहा करता। और ये जो शोध संस्थान का निर्माण भी हुआ वो भी इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने किया। और इस निर्माण के पीछे जब हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, परंतु चार ऐसे लोग थे जो इसकी बहुत बड़ी रीढ़ है। ठाकुर राम सिंह जी का चिंतन शोध संस्थान था, परंतु उसमें बौद्धिक और जो उसमें ज्ञान का चिंतन भरने वाले डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर जी थे, कुल्लू के रहने वाले थे, भाषा अकादमी में उन्होंने काम किया, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बाहर की प्रबंध व्यवस्था का निर्माण करने वाले किसी प्रकार की भी हमारे को आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करने वाले हिमाचल प्रदेश के प्रांत कार्यवाह माननीय चेतराम जी की बहुत बड़ा योगदान, उसको विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को निर्माण करने में उनका रहा है। तो इन लोगों को हम भुला नहीं सकते जिन्होंने इन सारी चीजों को जोड़ा और ठाकुर जी के सामने जो ठाकुर जी हमारे से बातचीत करते थे, चर्चा करते थे, उन्होंने भारतीय कालगणना, भारतीय चिंतन के आधार पर वेद से हमारे को शिक्षा लेना, ऐसे मुद्दों को वो हमारे सामने समक्ष रखते थे। एक बार मेरी उनसे बातचीत हुई, ठाकुर साहब आप कालगणना की बात करते हो, चर्चा करते हो, तो वास्तव में ये कालगणना में मिलेगी कहाँ, हम इसको ढूंढे कहाँ? तो ठाकुर जी ने बड़े सर सभाओं में उत्तर दिया कि आप भागवत पुराण को पढ़िए। और मैंने वास्तव में जब मैं भागवत पुराण पढ़ा तो उसमें मुझे भारत की जो 197 करोड़ वर्ष के इतिहास की जो चर्चा ठाकुर जी अपने वक्तव्य में लगातार करते थे, उसकी मेरे को उसको पढ़ने में मिली और मुझे आसानी से युवाओं के सामने रखने में आसानी प्राप्त हुई। तो अर्थात हमारा जो इतिहास है वो वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, हमारे लोक जीवन के अंदर, लोक साहित्य के अंदर है। तीन बड़े राष्ट्रीय सेमिनार ठाकुर जी के सामने 2006 में, 2007-08 में, 2009 में ठाकुर जी के सामने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुए और उन सेमिनारों के माध्यम से देश भर के लेखक, विद्वान, विद्युत जन उसमें जुड़ने लगे, पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। और जो ठाकुर जी ने 2010 तक हमारे सामने विषय रखे उनको हमने उनकी जन्म शताब्दी, जब हमने 2015 में उनके शताब्दी वर्ष कार्यक्रम हुआ तो आम में से सब लोग उसमें थे और देश के भिन्न भिन्न स्थानों से सारे लोग आए हुए थे। तीन पुस्तकों का उसमें विमोचन हुआ, बाबा साहब आपके स्मारक समिति उसमें जुड़ी थी। तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम और उस भव्य कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे देश में हमने लगभग कम से भी 50 कार्यक्रम किए और विशेषकर उत्तर भारत में ठाकुर जी के सब प्रांतों में 2-2 बड़े कार्यक्रम हुए और हिमाचल प्रदेश के हर जिले के अंदर ठाकुर जी जन्म शताब्दी के कार्यक्रम मनाए। और एक शोध संस्थान ने एक बड़ी व्यवस्था खड़ी की आई उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के रास्ते पर चलाए हुए जो उन्होंने हमारे को रास्ता दिया। लगभग वर्तमान समय में 150 से 200 विद्वान स्कॉलर शोध और जो निर्माण का कार्य, पुस्तकालय, वहां पर संग्रहालय और रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे जितनी ठाकुर जी ने बनाई थी वो उसे और आगे बढ़ने लगी। और वर्तमान समय में शोधार्थियों के रहने के लिए वहां एक शोध छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। तो ठाकुर जी हर काम को, हर चीज को बहुत बारीकी से, साधारण भाव से, यानी एक बड़े प्रेम भाव से सबसे सामने रखते थे और उसको उनका शब्द ही एक ब्रह्म वाक्य होता था, ऐसा उनका जीवन और दर्शन था।
तो मैंने एक छोटा सा विषय आप लोगों के सामने रखा है, अगली चर्चा में जैसे आएंगे तो हम जैसा प्रश्न आएगा हम उत्तर जी देंगे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर श्रीमान चेतराम गर्ग जी, मैं थोड़ा सा ये जानकारी भी आपसे चाह रहा था कि जो वर्तमान पीढ़ी हमारे जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो छात्र है उनके लिए आप किस प्रकार की व्यवस्था शोध के संदर्भ में, थोड़ी सी जानकारी, फिर मैं अगले चर्चा में श्रीमान बलदेव दास चावला जी को लाता हूँ, तो थोड़ी सी जानकारी मेरी आप शोध इसके संदर्भ में संस्थान का जो वैचारिक पक्ष है उसमें पिछले 5-6 वर्ष से लगातार राइटिंग स्किलनेस के हमें इतिहास लिखना कैसे है, लगातार हमारे उसके 3 दिन के वर्ग चलते हैं और उसमें हमने एक निश्चित टीम टोली निर्माण की है जो उसमें फिर उसमें हम 2-3 या 8-10 लोगों को जोड़ते हैं। तो वो टोली इस समय हमारे पास 40 विद्वानों की ऐसी टोली है जिस जो टोली एक मत से खड़ी होती है, उसमें इतिहास के लोग हैं, उसमें संस्कृत के लोग हैं, उसमें विज्ञान के लोग हैं, आर्कियोलॉजी के लोग हैं, एंथ्रोपोलॉजी के लोग हैं, पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, यानी वो एक इस पर जब भी हम अपने शोध को किसी अपनी फाइनल स्टेज पर लाते हैं तो लग से कम भी 10 से 20 लोगों के हाथ से वो काम पहले गुजरता है और देश के जाने माने विद्वान उसको देखते हैं। और सौभाग्य से हमारे पास हमारे जो अध्यक्ष जी हैं इनका जो स्पेशलाइजेशन है और जो इनका थॉट प्रोसेस है, जैसा इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर ये काम किया है निदेशक पद पर, जियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर, हाँ, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम किया है, इनके जीवन का महत्व, इनके काम का, जब हम कोई भी काम लेते हैं तो ये सब लोग हमारे उस काम को देखते हैं और जो हमारी नई पीढ़ी आती है इन विद्वानों को देखकर, वहां के काम को देखकर वो सहज रूप से विश्वविद्यालय के काम को, इंटरनेशनल सेमिनार्स को, गोष्ठियों को हमारे काम के साथ कंपेयर करते हैं और वहां जो माहौल उनको 3 दिन में मिलता है, आत्मीय भाव मिलता है, विश्वास मिलता है, उसके कारण से हमारी आज की नई पीढ़ी मेरी शोध संस्थान के साथ आगे बढ़ रही है विश्वास के साथ। और हमें भी इसमें फख्र है कि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो नेरी के साथ कोलोबरेशन करने के लिए, हमारे साथ MOU करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। और हमारा जो वहां से रिसर्च जर्नल निकलता है, उन्होंने उस जर्नल ने 2008 से लेकर वर्तमान तक जो विकास किया है वो सबके सामने है, वो उसकी कोई प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम है जब वो हाथ में आता है तभी उसके प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार से हमारी नई पीढ़ी का बहुत 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 धन्यवाद श्रीमान चेतराम गर्ग जी, आपने एक स्वरूप ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्था नेरी का जिसकी संकल्पना हमारे श्रद्धेय राम सिंह जी ने रखी थी उसका जो है बखूबी आपने उसका रेखांकन किया। मैं आदर सहित श्रीमान जो डॉक्टर बलदेव दास चावला, इनका बहुत बड़ा एसोसिएशन हमारे ठाकुर राम सिंह जी के साथ रहा है, आप पूर्व में पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं, उग्रवाद के समय आप पंजाब सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष तथा भारत विभाजन के समय जब ठाकुर राम सिंह जी अमृतसर विभाग के विभाग प्रचारक थे उसमें आपने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ करके आप प्रत्यक्ष रूप से भारत विभाजन में जो भूमिका ठाकुर राम सिंह जी की और वहाँ के बहुत सारे स्वयं सेवियों की रही है उसमें आप बहुत आप भी प्रतिभागी के रूप में रहे हैं। मेरा सादर निमंत्रण डॉक्टर बलदेव दास चावला जी से, मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ बलदेव चावला जी कि आप ठाकुर राम सिंह जी की के साथ जो आपका अनुभव रहा है आप थोड़े से संक्षेप में उसको साझा करें श्रीमान बलदेव चावला जी। बलदेव चावला जी आपका आवाज नहीं आ रही, डॉक्टर बलदेव चावला अनम्यूट करवाओ इनसे, अनम्यूट करें डॉक्टर बलदेव चावला जी, डॉक्टर बलदेव चावला जी
मेरा हितेंद्र जी से निवेदन रहेगा कि बलदेव चावला जी से संपर्क करें, इससे पूर्व ये अनम्यूट हो। मैं बलदेव चावला जी नहीं, कृष्ण कुमार गोयंका जी, कृष्ण कुमार गोयंका जी आप अपना अनम्यूट कर। जी जी, श्रीमान गोयंका जी को मैं ले रहा हूँ चर्चा में। श्रीमान गोयंका जी, आप असम में बड़े व्यापारी हैं और जब 1949 में ठाकुरराम सिंह जी असम प्रांत के प्रचारक बनकर आए, उसमें असम प्रांत में संघ शैशव अवस्था में ही था, ऊपर से गांधी हत्या का मित्र 21 वर्ष ठाकुर जी ने जिन जिन कार्यों को किया आप उसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। आप गो सेवा समिति की गतिविधियों के भी आप असम प्रांत के संयोज उत्तर असम प्रांत के संयोजक हैं। मैं आदर सहित गोयंका जी आपसे जानना चाहता हूं कि आप सबसे पहले ठाकुरराम सिंह जी के साथ जो आपके अनुभव थे उसको आप साझा करें। श्रीमान गोयंका जी, अपने पूजनीय राम सिंह जी जब आसाम में आए थे, मेरा वो आए थे 1949 में और वे अपने उसमें 34 वर्ष के थे और मेरा 1949 में जन्म हुआ मेरा। तो मैं संघ में जो है मेरे बड़े भाई जाते थे तो उसके कारण जो राम सिंह जी हमारे घर पे आना जाना था और 1959 के आसपास जो है मैं संघ से जुड़ा। तो ठाकुर राम सिंह जी उस समय और करीब 44 वर्ष के जवान थे, हृष्ट पुष्ट शरीर और जी अपने शाखाओं में आते थे। तो हमें जो है ब्रह्म तेज और छात्र तेज से युक्त और ऐसे अपने को जवान चाहिए, ऐसे हमें शाखाओं में प्रेरणा देते थे जी। उसमें जब अपने को ब्रह्म तेज की बात बोलते थे तो उस समय अपने बंदा बैरागी या गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताते कि जिन्होंने अपने अपने पिता को भी मारा और अपने पुत्रों को भी मारा, तो उनके बारे में बताते थे जी। और उसके बाद में अपने बंदा बैरागी के बारे में बताते थे जिन्होंने अपने गुरु पुत्रों की शहादत का बदला लिया और उनको सबको दंड दिया, और अपने हरि सिंह नलवा के बारे में बताते थे जिन्होंने अफगानिस्तान को फिर से जीता, अफगानिस्तान को जीता, लद्दाख को जीता, कश्मीर को जीता, तिब्बत को जीता, फिर से अपने देश में शामिल किया। तो ब्रह्म तेज और छात्र तेज से युक्त अपने को जो होना है तो वैसे उनकी स्वयं की दिनचर्या रहती थी। तो वे जो है सवेरे अति अब सुबह 3:30 बजे अपने उठ जाते थे और व्यायाम वगैरह अपने करके और सवेरे शाखाओं में पहुंच जाते थे। तो शाखाओं में पहुंच करके पहले संघ स्थान साफ करना और करना, नया नया काम आरंभ हुआ था अपने आसाम में। लेकिन ठाकुर जी जो है बहुत प्रेरणा से काम करते थे। उसमें उन्होंने बाजीराव पेशवा के बारे में भी अपना उस समय बताया उन्होंने। तो बाजीराव पेशवा जो है घोड़े की पीठ पर ही सोता था, घोड़े की पीठ पर ही खाना खाता था, दौड़ता था, एक भी युद्ध उसने नहीं हारा। तो इसी तरह से ठाकुर राम सिंह जी अपना उदाहरण रखते थे कि जैसे वो मोटरसाइकिल के अपने ऊपर बैठते थे तो अपने गुवाहाटी से सीधे डिब्रूगढ़ पहुंच जाते 500 किलोमीटर दूर, सिलचर है, शिलोंग है 250 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। तो ये सब जो है इतना सारे आसाम का भ्रमण अपने वीरता पूर्वक अपने संघ कार्य को उन्होंने अपना बहुत आगे बढ़ाया। दूसरी बात है कि जब ठाकुर राम सिंह जी आए थे तो
उस समय आसाम की परिस्थिति में गांधी अपने हत्या जो हुई थी 1948 में, तो गांधी मारा पार्टी बोल करके अपने आसाम में संघ के बारे में हम सब जानते थे। तो जन साधारण में संघ का काम ले जाना और अपना बहुत मुश्किल था, इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया कि जो अपने यहाँ के गणमान्य लोग थे उन सब से अपना संपर्क साधा, और उसमें अपने एक थे कामाख्या राम बरुआ। तो कामाख्या राम बरुआ उस समय गुवाहाटी हाई कोर्ट में मणिपुर की तरफ से चीफ जस्टिस थे, उनसे उन्होंने अपना संबंध बनाया। एक अपने तीर्थनाथ जी शर्मा थे जो कि के अध्यक्ष थे, वैसे ही गिरधर शर्मा जी थे जो बाद में अपने प्रांत संचालक बने थे। गिरधर शर्मा जो है अपने आर्य विद्यापीठ कॉलेज के अध्यक्ष थे, और ऐसे उन्होंने राधिका मोहन गोस्वामी एक थे जो कि बड़े वकील थे और अपने अच्छे संपादक थे, नौगांव के थे, उन्होंने अपना संबंध रखा। इस तरह से इन सब लोगों से अपना संबंध स्थापित करते हुए संघ की बात को उन्होंने सब लोगों के बीच में, जन साधारण जो अपना असमिया समाज है और सब है उनके बीच में पारिवारिक संबंध स्थापित करते हुए और उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से उन्होंने उस समय सारे असम में अपने प्रवास करते हुए संघ के काम को और उन्होंने आगे बढ़ाया था। बहुत सुंदर श्रीमान गोयनका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संगठनात्मक दृष्टि से ठाकुर राम सिंह जी का क्या दृष्टिकोण था? हाँ जी, तो संगठनात्मक दृष्टि से राम सिंह जी अपने स्वयं का उदाहरण रखते थे जी। जैसे वे जो अपने इतना प्रसिद्ध थे, अपने एक तो अपने शाखाओं में जो अपने सवेरे जाते थे तो अपने बच्चों जो अपने बच्चे होते थे पहले उनके साथ में अपने शाखा के बाद में वहां पर पास में कोई नदी वगैरह होती थी वहां जाकर के उनके साथ में तैरना, बच्चों के साथ में तैरना, पहाड़ों पर चढ़ना, बच्चों को मोटरसाइकिल सिखाना, घुड़सवारी वगैरह, तैरना वगैरह सब में। ऐसे वो कहते थे कि जैसे शंकर देव अपने यहाँ के महापुरुष हुए थे, आसाम के महापुरुष हुए थे शंकर देव जी, तो जैसे शंकर देव जब बरसाती समय में ब्रह्मपुत्र को पार करते थे तो अपन जवान है, अपनों को भी ब्रह्मपुत्र को घेर कर पार करना चाहिए। तो इसका उदाहरण देते हुए फिर अपने सब जो है उस समय जवान संशय थे अपने, तो वे अपने इसके लिए तैयार हुए। तो ब्रह्मपुत्र नदी में उन्होंने एक नाव मंगाई और उसमें अपने 5-6 स्वयंसेवक जो थे, 5-7 लोग जो थे वे उसमें अपने तैरने के लिए उतरे। तो नाव मंगाकर अगर कोई थक गया तो नाव में चढ़ जाएगा, किंतु ऐसे करके बीच में करते करते बीच में जाते जाते अंत तक जाने के पहले प्रायः जो है नाव में चढ़ गए, किंतु ठाकुर राम सिंह जी अंत में अपने अमीन गांव पहुंच ही गए। लेकिन वो जो बात करते थे तो उस समय ऐसा मैंने पुरुषार्थ सुन तो सारे स्वयंसेवक बड़े आकृष्ट रहते थे उनसे जी जी। तो इसलिए और उसके बाद में खाने पीने में भी अपने बहुत मस्ती से और अपने प्रेम से अपने उनके और हर एक को जो उसके परिवार के प्रत्येक मेंबर को जानते थे। तो बहुत सुंदर ये सब करते समय और उन्होंने और अपने काम को जो आगे बढ़ाया तो उसी में जैसे अपने एक बार कोई अपना संघ शिक्षा वर्ग था जी। उसमें कोई अपने से नवकांत बरुआ जो अभी 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 उनका ध्यान तो है प्रचारक के नाते, तो नवकांत बरुआ उसमें 21 वर्ष के थे 1961 में। तो उन्होंने उनको बोला कि तुमको संघ शिक्षा वर्ग में बौद्धिक देना है जी। उस समय अपने नवकांत बरुआ छात्र थे तो उन्होंने कहा तो विषय क्या है, नवकांत बरुआ को उन्होंने कहा कि विषय है कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। नवकांत ने बरुआ की कहा कि मैं तो इस विषय को पर बौद्धिक नहीं दे सकता, आप तो मेरा विषय बदल दीजिए। राम सिंह जी ने कहा क्यों भाई, क्या बात है,
बोले अगर मुझे बौद्धिक देना है तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा देश के लिए समाज के लिए पूरा तन मन धन से काम करना चाहिए, संघ का प्रचार निकल जाना चाहिए। तो अभी मेरी संघ का प्रचार निकलने की स्थिति नहीं है, इसलिए आप मेरे को मेरा विषय क्योंकि मैं कथनी और करनी मेरी एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए आप मेरा विषय चेंज कर दीजिए। तो राम सिंह जी ने उसको कहा कि राम सिंह यहाँ पर इतनी दूर से विषय बदलने नहीं आया, व्यक्ति बदलने आया। बहुत ये सुनकर चुप हो गए और बाद में उन्होंने अपना बौद्धिक दिया और बौद्धिक देने के 3 साल पीछे नवकांत प्रभा संघ के प्रचारक निकले। जी जी जी। और अभी अभी जो है उनका कोई 78-79 की उम्र में जो है अभी अभी अपना उनका ध्यान पा था। ऐसे राम सिंह जी जो है अपने उदाहरण से। और एक बात है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि एक बार क्या हो गया कि ऐसे प्रवास के दौरान राम सिंह जी कामपुर से गुवाहाटी आ रहे, कामपुर माने ये आपको नौगांव जिले में है, वहां को शादी अटेंड करने गए थे। तो रात को वो जो आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो अपने ट्रक में आए थे वो, तो एक्सीडेंट होने से उनके पांव का घुटना टूट गया था। तो ला करके और उनको जो मेडिकल कॉलेज के अंदर भर्ती किया, तो मेडिकल कॉलेज में जब उनको भर्ती किया तो उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में आप जो 2 महीने से करी, मैं अपने घर से दूध लेके जाया करता था उनके पास में, तो 15-20 दिन के बाद में और उन्होंने शंकर बैनर्जी एक अपने शंकर बैनर्जी को उन्होंने कहा कि भैया कल जरा आप अपने 15-20 चेयर ले आना और साथ में कुछ मिठाई वगैरह कुछ खाने पीने का सामान 15-20 लोगों के लिए लाना। तो शंकर दा ने जो नवदा को बोला ये राम सिंह जी क्या बोल रहे हैं, अस्पताल में इतनी चेयर लेके आओ, इतनी मिठाई लेके आओ। ये नवदा ने कहा कि जब उन्होंने बोला है तो करना ही पड़ेगा, तो लाए वो लोग। फिर देखा कि दोपहर को 15-20 डॉक्टर आए थे और वो पास में राम सिंह जी के पास में बैठ के बहुत प्रेम से बात, देश के बारे में, समाज के बारे में, संगठन के बारे में राम सिंह जी ने उनको सबको समझाया और बाद में सब खुश होकर गए। और जब वो राम सिंह जी अंत में जो मेडिकल कॉलेज से 2 महीने पीछे गए थे तो वो डॉक्टर नर्स और वहां के स्टाफ वगैरह ने बहुत अच्छे प्रेम से विदाई दी थी उनको। और इसी बीच अपने जो है गुवाहाटी में वर्क चल रहा था तो गुवाहाटी में शाखाओं से घटनायकों को बुला बुला के एक शाखा की और उन्होंने अपने और बैठक ली थी। तो संपूर्ण जब तक वो मेडिकल पूर्ण रूप से सक्रिय रहे, कभी भी एक दिन जो है कभी भी ढील से बैठे नहीं थे। ऐसे वो स्वयं के उदाहरण के द्वारा जो है लोगों में अपने, और रात को वो कब तक जो है देर रात और अपने उनका जो पत्र लेखन होता था जी, तो उनकी जो दिनचर्या जो है ऐसी थी। थोड़ा सा जानकारी हम ये चाहते हैं आपसे कि ये जो असम प्रांत में जब थे वो ठाकुर राम सिंह जी, तो राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां थी उसके प्रति वो कितने सजग रहते थे, तो संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी। हाँ जी, हाँ, तो ऐसा है कि 1960 के आसपास जी, 1900 में जब था, मैं था उस समय करीब 10 वर्ष का था, तो उस समय जो असमिया बंगला भाषी का झगड़ा आरंभ हो गया था जी, वहां पर जो है भाषाई दंगा कहते हैं और उसमें जो जी कर्फ्यू भी लगता था, लेकिन संघ का कार्य चूंकि अपना उस समय सारे आसाम में फैला हुआ था तो उसमें जो है ऐसा मैं ऐसा दिखाई देता था बंगला भाषी हिंदू जी, बंगला भाषी मुस्लिम, इन सबके बीच में जब आग लगाई जाती थी तो बंगला भाषी मुस्लिम का घर अपना बचा रहता था, इन हिंदुओं के घर जल जाते थे। तो इसमें उन्होंने राम सिंह जी ने बताया कि ये अपना आपस का झगड़ा नहीं है, इसमें भी सारा भेदभाव करके सारा नुकसान खाली हिंदुओं का ही करना है। तो इसमें लोगों में, असमिया लोगों में भी अपनी अच्छी जागृति आई जी, और अपने ऐसे ही जो है और उस समय जो संघ कार्य के कारण माननीय मधुकर जी भी थे उसमें, मधुकर जी लिमय, वैसे ही जो है 1962 में जो अपना चाइनीज आक्रमण हुआ था उस समय भी जो है पाकिस्तानी झंडे जो अपने जगह जगह पे अपने लगते थे उसके बारे में भी सब लोगों का ध्यान आकृष्ट किया गया था। और 1968 में नारंगी, मैंने
अपने गुवाहाटी के पास में नारंगी है, वहां पर हमारा कैंप चल रहा था। मैं भी उस समय करीब 19 वर्ष का था, तो अचानक पता लगा कि अपने गुवाहाटी में आगजनी हो रही है और सब हो रहा है, तो हम लोग कैंप को बीच में छोड़ करके फिर सबको जो है सबको लेकर के फिर अब गुवाहाटी आए। जिन लोगों ने संघ की प्रेरणा से और अपने दल बल के साथ में उनका मुकाबला किया, जो अपने आगजनी वगैरह जो अपने कर रहे थे, वे तो सब भाग गए। करने वालों में मुस्लिम भी थे, असमिया भाषी कहीं मैंने गलत लोग थे, लेकिन जहां पर मुकाबला किया अपने वहां तो लोग भाग गए, किंतु जहां पर किसने मुकाबला नहीं किया उन सबको लूट लिया, जला दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन इन सब परिस्थितियों में हिंदुत्व के बारे में जो और वातावरण यहाँ पर रहा, बांग्लादेशी घुसपैठ जो अपने होती है तो उसके बारे में, त्रिपुरा की सीमा है, शिलोंग की सीमा है और सब जगह है, सब तरफ में सारे चौकन्ने रहते हुए और अपना सबका ध्यान था, तो उसके कारण जो है और ये अपने वो जब एक बार बीच में आया था, बहिरागत के बारे में बात आई थी कि यहाँ पर है जो अपने बहिरागत है उनको अपने को और अपने यहां से भगाना है, तो बहिरागत में लोग क्या समझते हैं कि जो आसाम से बाहर से आए हैं उनको यहां से भगाना है जैसे, लेकिन उसको फिर संघ ने क्या किया कि उसमें बहिरागत में ही नहीं, बहिरागत मतलब मुस्लिम घुसपैठिए जो बांग्लादेश के, उनको हमें यहां से निकालना है। इस तरफ में उस बात को ठीक से, जो बात सच्ची होनी चाहिए थी जो कि अपने वास्तव में समस्या थी, तो उसको उस तरफ से लोगों को जो है ध्यान आकृष्ट करके फिर लोगों जो है बांग्लादेशी जो है उस समस्या के ऊपर सबका ध्यान आकृष्ट हुआ कि अपने असली दुश्मन जो है बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान पंथी हैं, तो ऐसे करके और जो है सब में जो है और अपने इतिहास के बारे में सबका ये बहुत सुंदर बोध कराते हुए, और बाद में भी जो अपने राम सिंह जी आए थे 1980 के बाद में 1990 के आसपास जो आए थे, तो भारतीय इतिहास संकलन समिति की तरफ से बहुत सुंदर, और यहाँ का आसाम का भी सच्चा इतिहास लिखा जाए, और इसके लिए आसाम में जी 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 और अपने आसाम में जो है इसका सबसे बड़ा एक अपना केंद्र पूर्व के अंदर अपना हो, ऐसा उनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी, किंतु वो हार्दिक इच्छा उस समय अपनी सफल नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी अपना जी नेरी में जो अपना काम हो गया वो सब अपने ईश्वर की कृपा से हुआ। आपने बहुत बहुत सुंदर जानकारी दी, बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर चावला जी से निवेदन करना चाहता था। डॉक्टर चावला, मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या आप? डॉक्टर चावला अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी बोल, सुन रहा हूँ। हाँ जी डॉक्टर चावला, मैंने हाँ आपका परिचय अभी दिया है। अपनी बात की। हाँ जी जी, हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले अपने अनुभव, जब ठाकुरराम सिंह जी, आप आतंकवाद के बारे में कुछ बात। हाँ जी, मैं ये चाहता था कि जब ठाकुरराम सिंह जी अमृतसर में थे उसमें वहाँ किस प्रकार का आतंकवाद था और ठाकुरराम सिंह जी की उसमें क्या भूमिका थी? हाँ, मैं उस विषय में ये बताना चाहूंगा ओम प्रकाश जी, जिसमें पंजाब के अंदर आतंकवाद था उसके बारे में इससे पहले कि उन्होंने जो बात मेरे से कही उसका थोड़ा सा जिक्र आपके सामने कर को के सारा हिमाचल सुन रहा है, पंजाब सुन रहा है, बाकी सारा देश सुन रहा है। ये समय वो था जब उग्रवादी यहाँ पर निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या कर रहे थे। उस ये समय वो था जिस समय लोगों को बसों से उतार करके एक लाइन में खड़ा करके AK-47 का निशाना बनाया जा रहा था। ये समय वो था जब उग्रवादी भीड़ भरे बाजारों के अंदर जा कर के लोगों को AK-47 का निशाना बना रहे थे। ये समय वो था आतंकवाद का कि जिसमें अपने धर्मस्थानों को बमों के साथ उड़ाया जा रहा था। ये समय वो था कि जिस समय अपने ही VIP के ऊपर रॉकेटों के साथ हमला किया जा रहा था। उस समय ठाकुर राम सिंह जी जब अमृतसर के अंदर आए, जब उनको इन सारी बातों का पता लगा तो वो कहने लगे कि भाई किसको काम दिया जाए। उनका फ़ोन मेरे पास आया, कहने लगे डॉक्टर साहब, मैं उसमें डॉक्टर बन चुका था, मेडिकल कॉलेज अमृतसर के अंदर हम लोग यहीं पर पढ़े थे, यहीं पर मैंने अपना नर्सिंग होम खोला, यहीं पर हमारी शादी हुई, सब काम ये ठाकुर जी की कृपा से सब लोग हम मिल कर के काम कर रहे थे। पर जब ठाकुर जी अमृतसर के अंदर आए तो मुझसे कहने लगे
कि डॉक्टर साहब को ऐसा व्यक्ति बताओ जो आतंकवाद के खिलाफ बोल सके, काम कर सके, उनका जवाब उसी तरह से दे सके। तो आप सुनकर के हैरान होंगे, मैंने कहा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति, क्योंकि जो बोलता था उसको रात को गोली से उड़ा दिया जाता था, कोई बात पूछने वाला नहीं होता था। और इसी प्रकार से एक एक करके काफ़ी लोगों को उग्रवादी मार रहे थे। जब ये बात उन्होंने मुझसे पूछी तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं उस समय संपर्क का काम देख रहा था महानगर अमृतसर का, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। और रात के समय उन्हें 10:30 का टाइम दिया था, डॉक्टर कुलदीप चंद हमारे महानगर संचालक थे और उनके घर में उनका भोजन था, उनके साथ भी उनका गहरा संबंध था। तो मैं जब उनके पास पहुंचा, डॉक्टर अपने जैकी सिंह शर्मा जी का नाम था, सब लोग जानते हैं शायद, वो भी वहां पर बैठे हुए थे, मुझसे कहने लगे कि कोई व्यक्ति मिला है जो आतंकवाद का उसी लाइन के अंदर जवाब दे सके। तो मैंने तुरंत कहा कि ठाकर जी यहाँ पर तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कहते आतंकवाद की बात करते, जो उस आतंकवाद के खिलाफ बोलेगा उसको गोली का निशाना बना दिया जाएगा, एकदम मार दिया जाएगा। तो मालूम है उस समय उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर चावला अगर कोई तैयार नहीं है तो तुम गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इतना बड़ा नर्सिंग होम चला रहा था, रोरिंग प्रैक्टिस चल रही थी, मेरी वाइफ जो थी नर्सिंग होम के अलग से वो चला रही थी, मैं अपना नर्सिंग होम चला रहा था। तो ठाकुर जी का फरमान तो लोग आज्ञा के रूप में हम मानते थे, हमारा बहुत बड़ा संबंध था। तो मैं उनकी मुंह की तरफ देखने लगा, ठाकुर जी ये काम मेरे से हो पाएगा, मैं कुछ नहीं जानता, आज के बाद तुमको ये काम करना होगा। आप सुनकर के हैरान होंगे, प्रातःकाल जब हुआ तो मैंने लगभग 12-1 बजे के करीब अपना बयान दाग दिया आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि ठाकुर जी ने एक बात कही थी कि देखो डॉक्टर चावला, आतंकवाद की कब्र तुमने यहाँ पंजाब के अंदर खोदनी है, और जो है किसी कीमत पर हिंदू सिख यूनिटी बनी रहनी चाहिए, ये बात मान करके चलनी चाहिए। तो जब ये दोनों बातें मेरे सामने आई, तो जब मैंने बयान दिया तो उसी वक्त शाम को मेरे को फोन आ गया, कहने लगे डॉक्टर चावला ये तुम्हारा बयान है? मैंने कहा जी हाँ मेरा बयान है। तो 3-4 दिनों के बाद 3 उग्रवादी आ ही गए, क्योंकि वहां पर ये होता था बहुत बड़ा एक उन्होंने मटका रखा हुआ था, उसमें पर्ची निकालते थे, जिसकी पर्ची निकल आती थी उसको रात तक खत्म करना उग्रवादियों का धर्म बन जाता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो जब मेरे पास आए वहां पर रोरिंग प्रैक्टिस के अंदर आप जानते हैं रश भरा हुआ था, उस समय बाई चांस 2 गनमैन मेरे को मिल गए थे, और 2 गनमैनों में दोनों सिख जेंटलमैन थे। आमतौर से ये उग्रवादी जो थे ये गनमैनों को विन ओवर कर रहे थे, पर जब वो उग्रवादी आए और आकर के मेरे गनमैन से कहने लगे आज हमने डॉक्टरों को मारना है, हमारे को हुक्म हुआ हुआ है, तो हमारे गनमैन ने कहा देखो भाई तुम डॉक्टरों को मारोगे तो यहाँ बच करके नहीं जा सकते हो। जब इतनी सी बात हुई तो थोड़ी देर में लोगों को पता, क्योंकि 3 उग्रवादी आमतौर से आते थे मिल करके, 2 मोटरसाइकिल पर बैठे रहते थे और एक आदमी मारने के लिए आता था, लोगों को पता चल गया कि चौक के अंदर 2 उग्रवादी वहां पर मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं। तो इधर उधर से पता लगने के बाद लोगों ने ईंटें मारनी शुरू की और वो उग्रवादी वहां से भाग करके चला गया। इस प्रकार की घटना जब हुई, तो ठाकुर जी की ये बात जो थी, जब मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई जब उग्रवाद की कब्र हमने पंजाब के अंदर खोदनी है तो हमको तो काम तो करना ही पड़ना था। मैंने सारे पंजाब का टूर किया, जाके शर्मा जी हमारे कन्वीनर थे, मैं पंजाब का प्रेसिडेंट बना था, और इसी प्रकार से हम सारे पंजाब का टूर करते रहे, बहुत सारे कार्यक्रम किए, पर मेरा मिलना लगभग उस समय सारे प्रधानमंत्रियों का था, जितने देश के प्रधानमंत्री उस समय के काल के थे उनको मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला, को भी मिला। और साथ साथ मैं ये बता दूं जो राष्ट्रीय संसद संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे उनको भी मिला। जब कभी हम चाहे राजीव गांधी जी को मिलने गए, चाहे वीपी सिंह को मिलने गए, राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह को मिलने गए, हर समय मेरा मिलना इस तरह से होता था कि सबसे पहले मैं ठाकुर जी से परामर्श करता था कि मुझे जाकर राजीव गांधी से क्या बात करनी है, अगर उसका मैसेंजर अमृतसर के अंदर आता है तो क्या बात करनी है। हर बात हम ठाकुर जी से सलाह मशवरा करने के बाद ही करते थे।
एक बात ठाकुर जी ने कहा कि अगर हमें हिंदू सिख यूनिटी बनानी है, आपस में सबको मेल जोल रखना है, आपसी भाईचारा बनाए रखना है, तो आपसी भाईचारे बनाने के लिए तो हमको कार्यक्रम करना चाहिए। मैंने कहा ठाकुर जी यहाँ पर इतना बड़ा कत्लेआम चल रहा है, लगभग 30,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, आप यहाँ पर कार्यक्रम रखने की बात करते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा देखो इस काम से पीछे नहीं हटना, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, लगभग 1,00,000 लोगों का जो है सम्मेलन यहाँ पर होना चाहिए। तो 23 नवंबर 1986 को नया एकता सम्मेलन जो है हमने अमृतसर के अंदर किया, और एकता सम्मेलन के अंदर सबसे बड़ी दो बातें हमने उन्होंने कही थी, सोन भी आए थे और माने सुदर्शन जी उस समय शायद सरकारी बात है वो भी आए थे, भिन्न भिन्न प्रांतों के जो इंचार्ज थे वो भी आए थे, हमारे विश्व प्रचारक भी आए थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर राम सिंह जी और बाकी जो अधिकारी थे अशोक प्रभाकर जी वगैरह सब हमारे उस कार्यक्रम के अंदर आए हुए थे, रमेश्वर जी भी उस कार्यक्रम के अंदर थे। तो पंजाब के सारे कार्यकर्ता लगभग 1,00,000 लोग जब वहां पर आए तो सब लोगों ने बोलने वालों ने एक ही बात कही कि हर कीमत पर पंजाब के अंदर हिंदू सिख यूनिटी बनी रहनी चाहिए, एकता हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए। जो बात ठाकुर राम सिंह जी ने कही हमने ये देख, आप समझते हैं अगर ये ठाकुर राम सिंह जी ना होते तो हम पंजाब के अंदर ये जो है आतंकवाद की कब्र कैसे खोल सकते थे, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय था कि डॉक्टर चावला अगर आपको काम दिया जो मर्जी हो जाए तो मैं भी जा ईश्वर को हाजिर नाजर जान करके आज बोल रहा हूँ कि मैं सोच करके चलता था मर गए जी गए, इसलिए हम आतंकवाद की कब्र पंजाब के अंदर खोद सकें। अगर किसी को श्रेय जाता है पंजाब के अंदर कब्र खोदने का तो हमारी सरकार पंजाब सरकार के साथ साथ ठाकुर राम सिंह जी को जाता है, अदरवाइज ये पंजाब के अंदर जो है आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता था। मैं समझता हूँ आतंकवाद के विषय में इतना काफी, अगर मैं सब लोगों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की चर्चा करूं तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी जी, बहुत, अगर बहुत आपने और कुछ इस बारे में पूछना जरूर पूछे, हम लोग तो आतंकवाद की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ मैं लगभग 13 वर्ष तक लगातार लड़ाई लड़ता रहा जब तक पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ जी, और आज भी मैं क्योंकि पीड़ित परिवारों की सहायता आज भी कर रहे हैं, उस समय ठाकुर जी के कहने पर पीड़ित परिवार की सहायता करते रहते, जो कुछ भी हमें आदेश देते थे ठाकुर राम सिंह जी, क्योंकि सर्वे सर्वा ठाकुर राम सिंह जी थे उस समय हमारे साथ, उनके आगे से हम ये सब काम कर रहे थे। आज मैं अगर स्वयं जीवित हूँ सब काम है तो ये परमात्मा की कृपा है, ठाकुर राम सिंह। डॉक्टर चावला, आपने डॉक्टर चावला बहुत सुंदर आपने बात करी, मैं थोड़ी सी संक्षेप में बहुत संक्षेप में आप उस क्षण को भी बताएं जब वो लुधियाना में लास्ट क्षणों में ठाकुर राम सिंह जी जब बीमार हुए थे तो वो लुधियाना में क्या कहते हैं एडमिट किया गया था उनको, आप थोड़ी सी क्षण उस क्षण को मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ठाकुर जी जब बीमार हुए देखो हम मैं था, डॉक्टर कुलदीप थे, डॉक्टर भीमसेन, हम सब लोग डॉक्टर सब थे, हमारे बहुत बड़ी टीम डॉक्टरों की यहाँ पर है। तो जब वो लुधियाना के अंदर बीमार हुए तो लुधियाना हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गए तो ठाकुर जी का मैसेज आया कि डॉक्टर चावला और डॉक्टर भीमसेन को तुरंत अमृतसर से बुलाओ। हम लोग हैरान हो गए, ठाकुर जी बीमार हो गए हैं ये कैसे हो सकता है। हमने उस गाड़ी पकड़ी, मैं और डॉक्टर भीमसेन जी उस अस्पताल के अंदर पहुंचे जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे, मैं उनको जाकर के पहले मिले, उनसे बातचीत की और वो कार्यकर्ता ही थे, फिर उसके बाद हम उनको जब मिलने के लिए चले गए मैं और डॉक्टर भीमसेन, तो उन्होंने जो सांस लेते हैं ना वहाँ पर मास्क लगाया होता है ऑक्सीजन के लिए, वो एकदम उतारा और सामने नमस्कार किया। मैंने कहा ठाकुर जी क्या हाल चाल है, क्या बात है, आप बीमार कैसे हो, आप तो बीमार होने वाले नहीं थे। कहते देखो भाई मैं और बात ज़्यादा नहीं कर सकूँगा, आपको नेरी का ध्यान रखना होगा। मैं कह ठाकुर जी चिंता मत करो, जब तक मैं जीवित हूँ नेरी का ध्यान हमेशा रखता रहूँगा, नेरी में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, चाहे कलेक्शन की बात हो चाहे कार्यक्रमों की बात हो, हर काम के अंदर में हम नेरी का ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करो। तो इस वक्त तो आप अपना इलाज करें, आपने तो
बहुत देर तक और काम संघ का काम करना है, इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कह करके उन्होंने मास्क अपने मुंह पर डाल लिया और हम वापस चले, नमस्कार करके वापस चले। और एक दूसरी घटना इसके साथ हुई, जब कुछ दिनों के बाद दोबारा बीमार पड़े तो मैं वहां पर पहुंच गया, क्यों मैसेज तो नहीं था, और वहां पर अपने रमेश्वर जी उसे क्षेत्रीय प्रचारक थे वो भी पहुंचे हुए थे, तो हमने नमस्कार किया। मैंने कहा ठाकुर जी आप बीमार हो गए, आपको तो अमृतसर में आना चाहिए था, इलाज करना था। तो कहने लगे कोई बात नहीं है। दूसरी बार में उन्होंने और कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप आ गए हैं, नेरी का ध्यान रखना, नेरी का ध्यान रखना। बहुत सुंदर आपने कहा कि 100 वर्ष तक आपने जीना है, आप चिंता मत करो ठाकुर जी, आपने संघ का काम करना है। बहुत सुंदर आपने डॉक्टर चावला, बहुत महत्वपूर्ण अनुभव आपने साझा किए। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्रीमान कृष्णानंद सागर जी, आप अनम्यूट करें अपना माइक। श्रीमान कृष्णानंद सागर जी, आप बाबा साहिब आप्टे स्मारक समिति के उपाध्यक्ष एवं नेरी शोध संस्थान के आमंत्रित सदस्य भी हैं। सुरुचि प्रकाशन तथा जागृति प्रकाशन दिल्ली को स्थापित करने में ठाकुर राम सिंह जी का मार्गदर्शन एवं सहयोग जो रहा है, आप महत्वपूर्ण उनके सहयोगी रहे हैं। श्रीमान श्रीमान कृष्णानंद सागर जी, आप अनेक पुस्तकों के लेखक भी हैं। वर्तमान में आप भारत विभाजन के प्रत्यक्ष दर्शी जैसे बृहद ग्रंथ पर शोध कार्य पूर्ण आपने पूर्ण कर दिया है। बृहद चर्चा हमारी इस संदर्भ में आपके साथ हुआ करती है। ठाकुर साहब के साथ आपका बहुत लंबे अरसे तक सहयोग रहा है, आप उनके साथ आपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे यही प्रश्न पूछता हूं श्रीमान कृष्णानंद सागर जी, ये ठाकुर राम सिंह जी के साथ आपके अनुभव जो कुछ अनुभव है आप साझा करें। डॉक्टर बलदेव चावला जी आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर म्यूट करें म्यूट बलदेव चावला जी प्लीज। श्रीमान बलदेव चावला जी आप अपना माइक जी। श्रीमान कृष्णानंद सागर जी मैं आपको चर्चा में आमंत्रित करता हूँ। देखिए ठाकुर जी जब आसाम से दिल्ली आए तो झंडेवाला में प्रार्थना, जब भी वो दिल्ली में होते थे तो सुबह उठकर चाय पर 5:30 बजे हम लोग एक साथ चाय पीते थे, हम 3-4 लोग थे वो ठाकुर जी के कमरे में जाकर जी, और भिन्न भिन्न विषय की उस समय चर्चाएं होती थी। चाय के कप पर चर्चा कोई भी हो सकती है और वो तब हुआ करती थी, लेकिन उन चर्चाओं में कई तरह की बातें आती थी। उनके अपने व्यक्तिगत जीवन में भी की भी कई बार बातें आती थी, कई विभिन्न प्रकार की अन्य घटनाओं के बारे में भी बातें आती थी, सब प्रकार का रहता था। लेकिन ठाकुर जी के बारे में जब हम बात करते हैं जी, तो ठाकुर जी बहुत कर्म कठोर थे, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो कर्म कठोर के साथ साथ उतने ही हृदय कठोर भी थे जी। हृदय कठोर कैसे, तो उनका मैं एक प्रसंग बताता हूं जी। जी जी बोले। जब आपातकाल लगा, और आपातकाल में वो तो भूमिगत थे और पुलिस उनको उनके घर में ढूंढने की बड़ी कोशिश करती रही, माताजी अकेली थी तो बहुत बार उनके घर पर पुलिस आती रही और आखिर में वो उनके घर पर वो नोटिस चिपका गई कुर्की का। अब ये था कि ठाकुर जी
आत्मसमर्पण करें या फिर वो घर कुर्क हो जाएगा। तो एक कार्यकर्ता ने ठाकुर जी को कहा, बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता ने जी, कि ठाकुर जी ऐसा है कि अब घर तो कुर्क नहीं होना चाहिए, तो उसको इसलिए उसका तरीका है कि क्या कैसा है कि अब आप स्वयं तो अरेस्ट वैसे तो देंगे नहीं, देना नहीं चाहिए, लेकिन आप यह कहीं भी जाकर बैठ जाएं और किसी को हम भेज देते हैं पुलिस थाने में, वो उनको सूचना दे देगा कि आप वहां पर बैठे हैं, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी तो घर बच जाएगा इससे जी। ठाकुर जी ने कहा कि राम सिंह अपने घर बचाने के लिए और अपनी मां को बचाने के लिए प्रचारक नहीं निकला जी। और ठाकुर जी ने अस्वीकार कर दिया, ये नहीं करना, ये नहीं होगा। अब यह बात, इसलिए मैंने कहा कि वो हृदय कठोर भी थे जी जी जी, वो केवल दूसरों को उपदेश देने वाले नहीं थे कभी, हाँ ठीक है गोली खा लो, तो वो स्वयं भी अपने प्रति, अपने माँ के प्रति भी, जो व्यक्ति इस प्रकार से कह सकता है वो कितना कर्म कठोर है, इससे हम अनुमान कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आपने सुनाया तो श्रीमान कृष्णन सागर जी, मैं थोड़ी सी जानकारी देश विभाजन और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की का जो उनका दृष्टिकोण था उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए उन्होंने कई प्रकार के अनुभव लिए थे जी, विद्यार्थी काल में जब वो होशियारपुर में पढ़ते थे तो तब वो कम्युनिस्टों के संपर्क में आए, काम करते रहे और उनके लिए उन्होंने कुछ पैसा भी इकट्ठा करके दिया, लेकिन बहुत जल्दी उनके ध्यान में आया कि ये तो पैसा जो भी है ये तो लोग खुद ही खा पी गए, ये सब लोग खाने पीने वाले हैं, तो इसलिए वो उनसे अलग हो गए। यानी ठाकुर जी का जो उद्देश्य था वो तो बड़ा शुद्ध था, पवित्र था, लेकिन ये लोग खाने पीने वाले लोग लाहौर गए, लाहौर में पढ़ते रहे तो वहां भी कई उनको इस प्रकार के अनुभव आए, लेकिन आखिर में जब वो संघ के स्वयंसेवकों के संपर्क में आए और धीरे धीरे उनको यह लगा कि यहाँ वो मामला नहीं है खाने पीने वालों का, तो तब वो संघ शाखा में सक्रिय हुए, निश्चित रूप से आने शुरू हुए। उनकी जो एक दृष्टि थी वो थी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अब ये अंतर नहीं होना चाहिए, इसका एक प्रसंग मैं बताता हूं कि प्रचारक निकल गए और सबसे पहले वो कांगड़ा जिला में प्रचारक रहे। वो प्रचारक 2 वर्ष के लिए निकले थे, जब 2 वर्ष हो गए तो वो हेलो लाहौर आए, प्रांत प्रचारक माधवराव जी को मिले और किसी कारण से मैं मेरे 2 वर्ष हो गए हैं और अब मुझे जो है अब आगे पढ़ाई करनी है। जितेंद्र जी तो माधवराव जी ने कहा ठीक है, माधवराव जी बोले कुछ नहीं आगे, बस माधवराव जी उठ के जरा चल दिए। तो इन्होंने ठाकुर जी बैठे अकेले बैठकर सोचते रहे कि भाई मैं अब तक ये कहता रहा हूं, 2 साल तो मैंने यही बात कही है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, तो राष्ट्र का कार्य करना है, संपूर्ण समाज का कार्य करना है, तो मैं तो उससे भाग रहा हूं, ये तो ठीक नहीं है। अब ये जब बात उनके मन में आई तब ये फिर गए माधवराव जी के पास 1 घंटे के बाद और माधवराव जी को कहा कि जी मैं वापस नहीं जाऊंगा,
मैं संघ का काम ही करूंगा। और उसके बाद माधवराव जी ने तुरंत उनको अमृतसर विभाग का काम दे दिया। तो ये उनके सोच जो थी वो थी कि भाई हमने समाज का काम करना है, राष्ट्र का काम करना है, तो उसके लिए हमें अपने जीवन को उसके अनुरूप बनाना होगा। केवल दूसरों को कहकर बताकर उपदेश देकर काम नहीं होने वाला। और ये आगे का भी उनका सारा जीवन फिर इसी प्रकार से चलता रहा। अब वो दिल्ली आ गए तो एक बार मोरोपंत जी ने उनको ये कहा कि भाई मुझे बुलाने के लिए कभी कोई सूचना भेजो तो वो जरा आके मिल लें। यानी मोरोपंत जी मुझे मिलना चाहते थे। अब ठाकुर जी स्वयं आ गए दिल्ली से यहाँ नोएडा मुझे सूचना देने के लिए, क्योंकि मोरोपंत जी ने कहा है। अब मैं तो देख के हैरान रह गया। उनका ठाकुर जी ये आप मुझे फोन कर देते मैं आ जाता। नहीं नहीं मैंने कहा चलो वही जरा मिल भी लेंगे, सूचना भी हो जाएगी। तो इस प्रकार का एक निश्चल हृदय, यानी कठोर हृदय भी और निश्चल हृदय भी, ये दोनों प्रकार के उनके। एक बार उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, अभी जो ओम प्रकाश जी ने आरंभ में बोला, ये इतिहास कुशाभास। तो मैं उनके पास गया एक बार, तो उन्होंने कहा कि भाई ये देखो श्लोक है, इस श्लोक के अनुरूप चित्र बनना चाहिए, ये कैसे हो सके। तो उन्होंने एक चित्र मुझे दिखाया, कभी ये किसी ने बनाया है, ये देखो कैसा है। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा ये तो ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। उनकी इच्छा ये थी कि इसके अनुरूप चित्र बनाकर और वो हम और इतिहास की दृष्टि से उसका एक लोगो बना दें। तो मैंने कहा ये तो उस दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो कहते नहीं उपयुक्त, तो फिर देखो कैसे उपयुक्त बन सका है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक कलाकार हैं और बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। वो जितने कलाकार हैं उतने ही उनका सांस्कृतिक अध्ययन भी है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो उपयुक्त बना सकेंगे। मैंने उनसे बात की, हो गई। तो एक बार ठाकुर जी भी उनको मिलने के लिए आए। मैंने कहा ठीक है आइए। वो यहाँ नोएडा में ही रहते थे, कर्नल हजारिका, आर्मी से रिटायर्ड थे। तो ठाकुर जी ने कहा मैं सुबह आता हूँ। मैंने कहा ठीक है आइए। कुछ देर बाद उनका वो उन्होंने फोन किया कि मैं यहाँ से बस पर चढ़ रहा हूँ और इतने बजे, अब इस समय इतने बजे हैं, तब देख लो कहाँ मुझे लो। अब मुझे तो लगता था भी आएंगे झंडे वाला से, तो कहना गाड़ी होगी ले आ जाएंगे, लेकिन वो बस से आए। और बस से आकर खैर मैंने उनको बस स्टॉप पर उतार लिया और उतार कर वो आ गए। और जब उन पहुंचे तो वो कर्नल हजारिका भी मूलतः आसाम के थे, तो उनके घर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने असमी में ही बात की। अब असमी में बात करने से एकदम उनके साथ जो एक आत्मीयता का उनका संबंध स्थापित हो गया, और वो कर्नल हजारिका तो बिल्कुल उनके भक्त बन गए। और उन्होंने इतना अच्छा वो बनाया, वो हम सबके सामने है, इतिहास पुरुष का जो चित्र है, जो इतिहास की दृष्टि से। तो व्यक्ति को निकट लाना, उसके साथ संपर्क बनाना, घर में भी प्रगाढ़ता उत्पन्न करना, ये उनकी एक विशेषता थी। इसके से यह है सारा। इसके साथ ही जहां तक इतिहास दृष्टि की बात है, उनकी इतिहास दृष्टि बड़ी व्यापक थी। भाई इतिहास का काम करना है ये तो ठीक है, लेकिन इतिहास का काम मतलब क्या, इतिहास अर्थात क्या,
तो वो बताते थे कि भाई इतिहास मतलब सबसे पहला पहली बात है सृष्टि का इतिहास, उससे उसके बाद अगली कड़ी आती है पृथ्वी का इतिहास, उसके बाद उससे अगली कड़ी है मानव का इतिहास, और फिर आता है भारत का इतिहास। तो इतिहास का मतलब केवल दो चार राजाओं का संघर्ष हो गया, लड़ाई हो गया, उसका वृत्तांत हो गया, एक राजा उसके बाद दूसरा आ गया तीसरा, ये इतिहास नहीं है। तो इतिहास तो भाई जब सृष्टि आरंभ हुई तब से आरंभ हुआ, और तब से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ इस सब को जब हम वर्णन करते हैं वो है इतिहास। और इसलिए जब वो कहते थे कि भारत का इतिहास अगर हमें कहना है तो उससे पहले सृष्टि का और पृथ्वी का इतिहास, इसके विषय में हमें शोध करना चाहिए, तब हम भारत के इतिहास को ठीक प्रकार से योग्य प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। हम जब भारत को विश्वगुरु की बात कहते हैं तो विश्वगुरु भारत कैसे बना तो उसको इस बात से हमारे सामने आएगा। ये एक संक्षेप रूप में उनकी बात जो है वो मैंने आपके सामने रखी है, बाकी आप जो धन्यवाद पुरी जी। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी का कनेक्शन टूट गया है। सभी वक्ताओं ने जो माननीय ठाकुर जी के साथ संबंध रहे उन्होंने इतिहास में, व्यक्तिगत जीवन में और उनकी तप और तपस्या और जो संगठन के माध्यम से समाज और राष्ट्र के लिए व्यक्तित्व का निर्माण किया और इतिहास की को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया, निश्चित ही ऐसे महापुरुष उनका स्मरण करना उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर, वह अपने युवा वर्ग के लिए और राष्ट्र के लिए आवश्यक है। मैं अब इतिहास शोध संस्थान नेरी के अध्यक्ष माननीय विजय मोहन कुमार पुरी जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। इसमें कई ऐसी बातें बोल के आई और ठाकुर आदरणीय ठाकुर साहब के साथ लोगों की आपस में उन्होंने जो अपने अनुभव साझा किए कोई अपने आप एक इतिहास का स्वर्णिम दृश्य है। मेरा संपर्क ठाकुर साहब से बचपन से ही है, शायद जब से होश संभाला तभी से ही उन्हें अपने घर में आता जाता देखता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया बीच में संपर्क टूट गया कई कारणों से कि वो किंतु वो मेरे बड़े भाई साहब के स्वर्गीय हरिमोहन पुरी जी के अत्यंत मित्र, बड़े बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। तो एक मैं उन दिनों लखनऊ में पोस्टेड था तो भाई साहब का फोन आया, कहने लगे कि ऐसा है कि ठाकुर साहब अगले हफ्ते लखनऊ आ रहे हैं, वो मुझसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो हिमालय के बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। अगर ठीक है, क्योंकि हिमालय ही मेरे जीवन की कर्मस्थली रही है और हिमनदों के शोध के संदर्भ में मेरा काफी विस्तार से कई क्षेत्रों में घूमना जाना हुआ अध्ययन के लिए। खैर, लखनऊ में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक थी, उसमें श्रद्धेय ठाकुर साहब भी पधारे और सरस्वती शिशु मंदिर में वो सब लोग ठहरे हुए थे। तो मुझे बताया गया कि रविवार को मैंने उनसे मिलना है।
तो भाई साहब, मैंने भाई साहब को पूछा, मैंने कहा अगर कोई विषय है तो उसके विषय की कोई खास विषय में वो बात करना चाहते हैं तो कम से कम मैं अपने साथ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर चलूं। तो उन्होंने कहा भी मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक, अब मैं पहुंचा शिशु सरस्वती शिशु मंदिर। वहाँ लखनऊ में काफी वर्षों से रहने के कारण मुझे वहाँ का भूगोल अच्छी तरह से मालूम था। तो मैं मुख्य द्वार से ना होके एक छोटे से द्वार से शिशु मंदिर में पहुंचा और ठाकुर साहब को खोजने लगा। अब मुझे इतना पता था कि ठाकुर साहब समय के बहुत पक्के हैं, वो समय से जो व्यक्ति आगे पीछे जाए वो उसको पसंद नहीं करते। लेकिन ढूंढते ढूंढते मुझे आधा घंटा भी निकल गया, मुझे मिले कहीं नहीं। तो एक दो बार मैंने सोचा हो सकता है कि ठाकुर साहब भूल गए हो। लेकिन और आगे बढ़ा तो मन में आया कि चलो अच्छा एक बार फिर मैं प्रयत्न करता हूँ। तो इसी बीच में एक जानने वाले मिल गए। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं ठाकुर साहब को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहे। तो उन्होंने बताया भाई ऐसा है कि कुछ घंटे पहले तो मैंने उनको देखा था, लेकिन इस समय कहाँ है वो मैं जानता नहीं। मैंने कहा भाई ऐसा है, व्यस्त रहे होंगे, हो सकता है वो भूल गए। और फिर मैंने कहा चलिए मैं अब वापिस आता हूँ। तो ऐसे मन में आया कि जो उसका जो मुख्य द्वार है उस द्वार से ही मुझे वापस जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं द्वार के पास पहुंचा तो मैं स्तब्ध रह गया, देख के जैसे लगा जैसे मेरे शरीर में 440 वोल्ट की करंट पास कर गई। क्या देखता हूं, ठाकुर साहब एक लोहे की कुर्सी के ऊपर बैठे गेट की तरफ देख रहे, निहार रहे। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे लेट हो गए। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं आपको आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ। कहते मैं तो पौने घंटे से यहाँ बैठा हूँ, मुझे तो तुम आते दिखाई नहीं दिए। मैंने कहा जी यहाँ आने के लिए दूसरा रास्ता भी है। एनीवे मैं भावुक तो हो ही गया था कि इतने महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मेरे जैसे छोटे से आदमी के लिए इतनी देर से एक अनकंफर्टेबल चेयर के ऊपर बैठ के मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एनीवे अब हम विषय पे आए। कहने भी हिमालय में घूमे हो? मैंने कहा जी घूमा भी हूँ, अध्ययन भी किया है। कहता अच्छा, वो तो कहने लगे कि उन्हें किसी सैनिक अधिकारी ने बतलाया कि हिमालय में सरस्वती नदी भी है। मैंने कहा जी हाँ है, क्योंकि मैंने कुछ ग्लेशियर्स का अध्ययन उस सरस्वती नदी के किनारे ऊपर जाके किया था तो मुझे उस क्षेत्र का पूरा पता था। तो कह लेंगे क्या ये वही सरस्वती है जिसका वेदों में वर्णन है? मैंने कहा जी नहीं। कहते यार ऐसी कैसे बात करते हो? मैंने कहा जी वो सरस्वती नदी वो जिसका वर्णन है वो ये नदी नहीं है, ये छोटा सा नाला है, नाला कहिए या खड्ड कहिए, जिसको खड्ड तो वो भी समझते थे अच्छी तरह से, कहीं खड्ड है। कहने लगे यार तुमने हमारे सारे किए कराए के ऊपर पानी फेर दिया। मैंने कहा जी क्या बात हुई? कहता ऐसा है कि इतिहास की प्रमाणिकता के लिए सरस्वती को खोजना बहुत आवश्यक है। अगर सरस्वती भारतवर्ष में थी तो वेदों की संरचना भी भारतवर्ष में, क्योंकि ब्राह्मणों का वर्गीकरण भूगोल के आधार पर केवल दो नदियों के कारण है। सरस्वती किनारे के जो ब्राह्मण थे उन्हें सरस्वत ब्राह्मण कहा छोटे वाला टेबल, और मदा नदी के किनारे रहने वाले ब्राह्मणों को नामिया ब्राह्मण कहा जाता है, और कहीं भी किसी भौगोलिक उससे ब्राह्मण को संबोधन नहीं होता। मैंने कहा जी ये वो सरस्वती नहीं है। कहते तो भाई उसको तो खोजना पड़ेगा। मैंने कहा जी वो तो अब मैं कहाँ खोजूंगा उसको। उन दिनों में मेरी जो व्यस्तता थी वो इतनी अधिक होती थी कि आप विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं ये कहूँ
कि महीने में करीब 17-18 दिन में मैं विमान में ही रहता था। तो कभी किसी ने मजाक में कहा यार बिस्तर भी ले जाओ वहीं सो जाया करो। एनीवे मैंने कहा जी देखिए, अब फिर मैं बात खत्म हुई मैं चला आया। 2-3 दिन के बाद फिर भाई साहब का फोन आया, यार वो तू आज उनसे पूरी बात नहीं की, एक बार फिर जाके बात कर ले। फिर मैं भागा भागा गया। कह लगे भाई वो क्या सोचा उसका कुछ करना है क्या? मैंने कहा जी मेरे से करने से क्या होगा। कहता यार तुम्हारा विषय है, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा उसको। तो इस तरह से उन्होंने मुझे कन्विंस करा दिया कि ये काम करना है। तो मैंने कहा ठाकुर साहब ऐसा है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, सच्ची बात यह है कि मुझे आपको समय देना पड़ेगा, और अगर आप मुझे समय देते हैं तो मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि मैं उसमें सफल होऊंगा। अगर सफल हो गया तो प्रभु इच्छा, नहीं हुई तो आगे देखेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से मेरे इतिहास। अभी मैं कहता हूँ कि समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए जो महानुभाव यहाँ पधारे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, और जिनको वो लोग जो फेसबुक के कारण और लोग भी जो इसमें हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। जी जी, आज का यह कार्यक्रम हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी और ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से ठाकुर राम सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया। बहुत वरिष्ठ विद्वान चिंतक समाज सेवी जनों का आज ये पैनल रहा, और हमारा ये सौभाग्य है कि आज के पैनल में वे लोग शामिल हुए जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न घटकों में अपनी सेवाएं देते हुए राष्ट्र की सेवा की, और विशेषकर ठाकुर राम सिंह जी के सानिध्य में रह करके कार्य किया, और ठाकुर राम सिंह जी के साथ रह करके समाज सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के इस पैनल में धर्मशाला से श्री विजय मोहन पुरी जी हमारे साथ जुड़े, जो नेहरी शोध संस्थान के माननीय अध्यक्ष हैं। आज के कार्यक्रम में श्रीमान चेतराम गर्ग जी ने अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित किया, जो शोध संस्थान नेहरी के निदेशक और समन्वयक हैं और स्वयं एक विद्वान अनुसंधानकर्ता के तौर पर भी अपनी सेवाएं राष्ट्रीय जागरण में प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर बलदेव दास चावला जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े, जो ठाकुर जी के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि में इन्होंने काम किया है, और उसके बाद राजनीति और समाज सेवा में भी इन्होंने अपना प्रशंसनीय योगदान दिया है। कृष्ण कुमार गोयनका जी आसाम से हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा कि आज के परिसंवाद में बताया भी गया है कि ठाकुर राम सिंह जी का अनेक वर्षों का जो श्रम साध्य जीवन है, जो उनका कार्यक्षेत्र रहा आसाम, वहां पर रहा, और उन्हीं का बीजारोपण है ये कि जो संस्कार, जो समाज सेवा उन्होंने आसाम में की, जो हिंदुत्व का बीजारोपण उन्होंने आसाम में किया, जो भारतीय राष्ट्रीय हिंदूवादी संस्कृति सभ्यता और दर्शन का उन्होंने समाज सेवा के माध्यम से वहां पर बीजारोपण किया, वो आज फलवित हो रहा है, पुष्पित होकर के फलदार वृक्ष के रूप में उठ खड़ा हुआ है। इसलिए वहां पर आज जो राष्ट्रीय विचारधारा है वह प्रबल है। कृष्णानंद सागर जी दिल्ली से हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़े, और उन्होंने अपने विचार भी इसमें व्यक्त किए। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी ने आज के इस कार्यक्रम का संचालन किया, और वे नेहरी शोध संस्थान में लेखक प्रमुख के तौर पर अपनी सेवाएं देते हुए भारतीय
जो इतिहास की दृष्टि है उस पर विशेष अनुसंधान कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए और अकादमी के इस फेसबुक पर आकर के इस लाइव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आप सभी महानुभावों का, सभी विद्वानों का एक बार फिर से हिमाचल कला संस्कृत भाषा अकादमी की ओर से और शोध संस्थान नेहरी हमीरपुर की ओर से बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसके बाद भी हम इस तरह के विषयों पर आगे पर चर्चा करते रहेंगे और ठाकुर राम सिंह जी की हर साल 16 फरवरी को उनके जन्म दिवस पर हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा 2018 से राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन भी नेरी में किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत विद्वान और परिचर्चाएं, संवाद, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि अनेक प्रकार के सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। तो ये जो श्रृंखला है ठाकुर राम सिंह जी के विचारों की, उनका चिंतन, उनका जो समाज के लिए योगदान है उस पर परिचर्चा चलती रहेगी। हिमाचल अकादमी द्वारा यह भी तय किया गया है माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में, कि ठाकुर राम सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित एक मोनोग्राफ भी लिखा जाए और उसको अकादमी की ओर से प्रकाशित किया जाए सरकारी तौर पर। तो माननीय चित्राम गर्ग जी को ये दायित्व सौंपा गया है कि वे ठाकुर राम सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है अपना आलेख, अपना मोनोग्राफ प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने ये कहा और ये इनका मंतव्य इस संबंध में रहा है कि ठाकुर जी का जो कार्यक्षेत्र है वो पूरा भारत रहा है, असम रहा, पंजाब रहा, हिमाचल रहा, अन्य प्रांत भी रहे और मुख्यालय में रह करके भी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया और भारतीय इतिहास संकलन की जो योजना है उसके सूत्रधार के रूप में भी ठाकुर राम सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहा है। वे आज भी अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनके व्यक्तित्व को खंगालने में, उनके संस्मरणों को इकट्ठा करने में, उनकी विचारों की श्रृंखला को लेखबद्ध करने के लिए समय अपेक्षित है। तो श्रीमान चेतराम जी इस संबंध में अपना शोध कार्य कर रहे हैं, अन्य लोगों का भी इसमें सहयोग ले रहे हैं और मेरे विचार में आज भी जो बहुत सारे प्रसंग ठाकुर जी के हमारे सामने आए हैं वे भी उस का एक भाग हो सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है। तो मैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए आप सभी का एक बार फिर से शोध संस्थान नेरी की ओर से और हिमाचल अकादमी की ओर से हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।